नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की थ्योरीज। इसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट देखा था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे ए पे। आज से मैं आप लोगों को आज जो वीडियो लेक्चर बनाने वाली हूँ वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। क्या है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक्स ऑफ इसमें हम जो स्टडी कर रहे थे वो केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। और केमिकल काइनेटिक्स में आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है काइनेटिक्स ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन ये स्टडी करेंगे। इन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए लिंडमान ने अपनी एक थ्योरी दी थी। तो क्या है, हम किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? लिंडमान थ्योरी ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। देखो नाम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, मींस क्या है कि एक मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्शन तो हमें पता है कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, तो एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। चलो आगे। अब इस रिएक्शन को समझाने के लिए लिंडमान ने दो मैकेनिज्म दी थी। इस रिएक्शन को समझाने के लिए उन्होंने दो मैकेनिज्म दी थी। या तो यह हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल, मैकेनिज्म फर्स्ट, या तो ऐसा हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल्स, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेम गैसेस मॉलिक्यूल्स ए वापस ए, ये दोनों आपस में कोलोजन किया और एक ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। ये दोनों आपस में कोलोजन किए, कोलोजन करने के बाद एक मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक एक्साइटेड स्टेट, मींस एक जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो एक्टिवेटेड बना और एक वापस उसी सिचुएशन में रहेगा। ये अपनी इस कोलोजन किया, कोलोजन करने के बाद ये अपनी वाइब्रेटिंग एनर्जी इसको ट्रांसफर करके इसको तो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और खुद डीएक्टिवेट हो जाता है। यहां तक की चीजें समझ में आई? ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रहती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, यहां पे K1 था, यहां के इनवर्स और ये K2, इनका रेट कॉन्स्टेंट। ये जो स्टेप होती है ये फास्ट स्टेप होती है और ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी? स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये ही होगी। तो इसका जब हम रेट लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे? रेट
रेट किसके इक्वल होगा, के टू इंटू ए एक्टिवेटेड, के टू इंटू में ए स्टार। अब ये ए क्या है, ए स्टार क्या है आपका, इंटरमीडिएट। तो यहां पे मैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कराऊंगी, क्योंकि ये क्या है, इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटाने के लिए मैं क्या अप्लाई कराऊंगी, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एक मैकेनिज्म तो ये थी जो मैं आगे अभी इसको और आगे पढ़ाई बताऊंगी। दूसरी मैकेनिज्म जो इन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि ये जो है वो किसी इनर्ट गैस के साथ टकराया। क्या किया कि ए रिएक्टेंट किसी इनर्ट गैस के साथ कोलोजन करे, कोलोजन करने पे ये इनर्ट गैस अपनी वाइब्रेटिंग एनर्जी ए को ट्रांसफर कर दे, तो ए तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और ये अपनी उसी पोजीशन में रहे, ठीक है। उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। चलो आगे, एक ये मैकेनिज्म है, रेट निकालने के लिए हम यही काम में ले रहे हैं। एक ये मैकेनिज्म थी, मींस इन्होंने ये कहा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स या तो आपस में टकराए, या उसमें कोई इनर्ट गैस मॉलिक्यूल है उससे टकराया, या कंटेनर की वॉल से टकरा के वो एनर्जी ट्रांसफर हुई उसमें और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया यहाँ पे। चलो, रेट जो है वो स्लो स्टेप वाला होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए इसका रेट जो है वो के टू ए स्टार निकला। अब मुझे इस ए स्टार की को हटाना है, इसलिए मैं क्या अप्लाई कराऊंगी, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कराओ। आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ रहे हो, वो प्लीज पहले पीछे वाले वीडियोस देखिए, उनमें मैंने आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखा रखा है। देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूं ए स्टार की कंसंट्रेशंस को निकालने के लिए, क्या करेंगे, किस किस में बन रहा है ये, किस किस में फॉर्म हो रहा है और किस किस में कंज्यूम हो रहा है, फॉर्मेशन रेट और कंज्यूम रेट क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं ये इसी। तो देखो इस स्टेप में ये फॉर्म हुआ और बैक स्टेप में ये कंज्यूम हुआ, और यहां पे भी ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ये स्टेप एक साइड लिखूंगी और ये बैकवर्ड रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन की स्टेप दूसरी साइड लिखूंगी। तो देखो आप, के वन ए स्क्वायर यही होगा, ये किसके इक्वल है, के इनवर्स ए स्टार इंटू ए, यही है, प्लस के टू ए स्टार। किसकी कंसंट्रेशन निकालनी हमें, इस ए स्टार की कंसंट्रेशन निकालनी, किसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हमें, इस ए स्टार की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ए स्टार की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें से दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, के वन ए स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, यहां से भी ए स्टार कॉमन आ गया और यहां से भी ए स्टार कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, के इनवर्स ए प्लस के टू इंटू में ए स्टार। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, इसलिए ये पूरा पोर्शन उठा के इसके नीचे ले जाओ, तो क्या बन गया आपका, ए स्टार किसके इक्वल आया, ये पोर्शन उठा के इसके नीचे ले गए, क्या बना, के वन ए स्क्वायर अपॉन के इनवर्स
ए प्लस के टू, यही बना। ये वैल्यू ए स्टार की वैल्यू में रेट की इक्वेशन में पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार इन इक्वेशन वन, रेट आपका क्या निकल के आएगा, रेट इक्वल टू के टू, के टू ये था और अब क्या है ए स्टार, ए स्टार की जगह ये पूरी वैल्यू रखो, क्या है के वन ए स्क्वायर अपॉन के इनवर्स ए प्लस के टू। ये किसकी इक्वेशन आ गई, रेट की इक्वेशन आई, किसकी इक्वेशन आ गई, रेट की इक्वेशन आ गई। लेकिन इस इक्वेशन से हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। देखो यहां पे के इनवर्स ए प्लस के टू ये फॉर्म आ गई, माइकलिस मेंटन इक्वेशन याद है आपको, कुछ इस तरीके की फॉर्म बनी थी, इसलिए वहां पे हमने क्या अप्लाई करवाए थे, कंडीशन अप्लाई करवाई थी। तो यहां पे भी मैं दो कंडीशन अप्लाई कराऊंगी, कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हम, गैसेस रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हम, गैसेस रिएक्शन, गैसेस रिएक्शन पढ़ेंगे तो मैं दो प्रेशर पे काम कर रही हूं, एक बार वेरी लो प्रेशर और एक बार वेरी हाई प्रेशर। देखो आप इस को अब हम चेंज करेंगे, ये बाकी सब मैं एक बार इरेज कर लूं। रेट है हमारा K2 K1 A का होल स्क्वायर अपॉन K इनवर्स A प्लस K2, यही है। अब मैं इसमें दो कंडीशन अप्लाई कर रही हूं, दो कंडीशन अप्लाई करूंगी, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन और प्रेशर में डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है, कंसंट्रेशन और प्रेशर में डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है। मींस ये जो आपका है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के टू के वन अपॉन प्रेशर का स्क्वायर अपॉन के इनवर्स प्रेशर प्लस के टू। तो मैंने क्या किया, प्रेशर जब बहुत ही लो प्रेशर है, लो प्रेशर होगा तो पी की वैल्यू बहुत कम है और किसी कम वैल्यू को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू भी बहुत ही कम आएगी। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन गई, K इनवर्स P वेरी वेरी लो, किसके कंपैरिजन में, K2 के कंपैरिजन में, K इनवर्स P बहुत ही कम है किसके कंपैरिजन में, K2 के कंपैरिजन में। तो आपका रेट क्या आएगा, देखो रेट आएगा K2 K1 पी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ए की बात है अपॉन, ये नेगलेक्ट कर सकती हूं मैं, जब मैंने ये कहा के इनवर्स पी बहुत कम वैल्यू है के टू के कंपैरिजन में, तो मैं क्या लिख सकती हूं, के इनवर्स पी प्लस के टू किसके अप्रोक्सीमेट होंगे, के टू के इक्वल। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका के टू, इस के टू से के टू कैंसिल आउट, रेट क्या बना आपका के वन ए का होल स्क्वायर। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आ गया समझ में, अब है वेरी हाई प्रेशर, जैसे
वेरी हाई प्रेशर की बात करेंगे तो के इनवर्स पी मीन्स पी की वैल्यू बहुत बड़ी है और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो के इनवर्स पी की वैल्यू किसके कंपैरिजन में, के टू के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी। जब ये होगा तो हम के इनवर्स पी प्लस के टू किसके अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, के इनवर्स पी के इक्वल ये लिख सकते हैं। तो रेट हमारा क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, रेट इक्वल टू के टू के वन पी ए की होल स्क्वायर अपॉन के इनवर्स पी। इस पी से एक पी कैंसिल आउट, तो आपका रेट जो बना वो बनेगा k2 k1 अपॉन k इनवर्स pa। ये सबके सब कांस्टेंट, एक नए कांस्टेंट से इनको रिप्लेस किया गया, रेट इक्वल टू k इन्फिनिटिव pa। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, रिएक्शन बेटा हम कौन सी पढ़ रहे हैं, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये हमारे मैकेनिज्म के आधार पे रेट निकला है, लेकिन यदि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करूंगी तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन ए स्क्वायर आ रही थी भाई, जब दो वहां पे थे ही नहीं, किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो रेट भी उनके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग, हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्यों, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, प्रैक्टिकली यही आ रहा है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी हम इसी फॉर्म में निकाल रहे हैं। लेकिन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस की डेफिनेशंस के आधार पे यदि हम इस चीज को देखें तो क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन क्या आना चाहिए, यहां पे जो ए स्क्वायर है ये नहीं आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, केवल ए। तो मैं इसको के यूनि से बोलूंगी, के यूनि से बोलूंगी, मीन्स ये किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, के यूनि किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, यूनि मोलिकुलर रिएक्शंस। और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी के टू के वन ए अपॉन के इनवर्स ए प्लस के टू, ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। देखो मैं इस इक्वेशंस को ए इंटू ए लिख रही हूं, ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल है, के यूनि के इक्वल, किसके इक्वल है, के यूनि के इक्वल। तो रेट हमारा क्या है, के यूनि इनटू में ए, ये दोनों तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, कई बार इसी तरीके से उठा के क्वेश्चंस पूछ लेता है, एज इट इज क्वेश्चंस इस फॉर्म में वो पूछ लेता है। अब हम इस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस पे भी वही अप्लाई करेंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस के पे भी वही अप्लाई करेंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, दो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं हम। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, आज मैं आप लोगों को यही तक का पोर्शन बताऊंगी। एट लो प्रेशर
और एट हाई प्रेशर। एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जब लो है तो क्या होगा, अभी हमने देखा था क्या होगा, के इनवर्स ए लेस देन क्या होगा, के टू, के इनवर्स ए लेस देन क्या होगा, के टू। तो के यूनी की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, के टू अब के वन ए अपॉन के टू। इस के टू से ये के टू कैंसिल आउट, इस के टू से ये के टू कैंसिल आउट, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन निकल के आई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन निकल के आई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की कंडीशन में के इनवर्स ए की वैल्यू किसके कंपैरिजन में, के टू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। उस केस में आपका के यूनी क्या आएगा, आपका के टू के वन ए अपॉन, इन सब की जगह मैं क्या लिख दूं, के इनवर्स ए। इस ए से ए कैंसिल आउट, इस ए से ए कैंसिल आउट, और के यूनी जो बना वो क्या बना, के टू के वन के इनवर्स मीन्स के इन्फिनिटिव, क्या बना, के इन्फिनिटिव। यही माना था हमने, के इन्फिनिटिव ही माना था, मीन्स कौन से ऑर्डर का बन गया ये, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, के यूनी और ए की कंसंट्रेशन के बीच में, तो कुछ माइकलिस मेंटन जैसा ग्राफ याद आ रहा है क्या आपको, कि पहले ग्राफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद जब प्रेशर लो है तब वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, और उसके बाद वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो जब इस कंडीशन में तो ग्राफ बनाओगे आप किसके बीच में, के यूनी और ए के बीच में, तो आप कैसे बनाओगे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज होता है फर्स्ट ऑर्डर में। इसका जो ग्राफ बनाते हो, सॉरी, इस तरीके से इंक्रीज होता है, इसका जो ग्राफ बनाते हो के यूनी क्या होगा, इस तरीके से चलेगा। तो इन दोनों का कंबाइन ग्राफ, उस पूरी इक्वेशंस का कंबाइन ग्राफ आपसे पूछे तो कैसे बनाते हो आप कंबाइन ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनाते हो क्या, ए के यूनी इनिशियली इंक्रीज होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो थोड़ा सा कर्व टाइप में आएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है तो के इन्फिनिटिव या के मैक्सिमम कहलाता है, कांस्टेंट होता है तो ये हमारा के इन्फिनिटिव या मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन से ऑर्डर का फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कई बार इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कल की क्लास में हम इस ग्राफ से रिलेटेड और इस यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट में आए हुए हैं। थैंक यू।